हेलो दोस्तों, आज हम एक खास विषय पर बात करने वाले हैं। कोविड के पेशेंट में आने वाली वीकनेस यानी कि अशक्ति ऐसी हो गई है कि कोविड के साथ भी और कोविड के बाद भी ये अशक्ति जाने का नाम नहीं लेती। एक आदमी अलग अलग किस्म की न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेता रहता है या कुछ ना कुछ बोटल्स या कुछ ना कुछ दवाई लेता रहता है, सोचता है ये वीकनेस खत्म होगी, पर 5 दिन से 20 दिन तक ये वीकनेस ठीक नहीं होती। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे उपाय जिससे आपके वीकनेस 2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में ठीक हो जाएगी। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीकनेसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 ऐसी प्रॉब्लम के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके शरीर में वीकनेस आई है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो होता है उसके शरीर में 5 कारण से वीकनेस आई होती है। एक कारण तो ये है कि उसके शरीर में जैसे ही वायरस एंटर हुआ था तो पूरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस कोविड के वायरस के सामने लड़ने में यानी कि युद्ध में बिजी थी। इतने समय में, इतने लंबे समय के दौर में युद्ध होने के कारण आदमी थक जाता है, उनके शरीर की कोशिकाएं थक जाती है, यहाँ से वो वीकनेस आई है। दूसरा एक रीज़न ये है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस विषय पर काम करते हुए कोविड पॉजिटिव पेशेंट को काफ़ी कम मात्रा में खाना दिया जाता है और जो खाना दिया जाता है वो भारी नहीं होता है, वो बड़ा हल्का खुराक होता है, जिससे कुछ दिन ऐसे खाना खाने से उनके शरीर में वीकनेस आ जाती है। तीसरा रीज़न ये है कि जब वो एडमिट होता है तो उसको सिंथेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं या जो मेडिकेशंस है या जो दवाइयाँ उसे दी गई है, जिससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और गर्मी के कारण और ये सिंथेटिक ड्रग जब शरीर में जाते हैं तो शरीर डर जाता है और ये ड्रग के कारण उनके शरीर में वीकनेस आती है। चौथा रीज़न होता है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट सही से सो नहीं पाता, क्योंकि वो बीमार है तो नींद सही से नहीं हो पाती और इसी के कारण वीकनेस उनकी और बढ़ती जाती है, इम्यूनिटी घटती जाती है। और 5वां कारण है, पेशेंट डर जाता है, वो अशांत हो जाता है कि उसे कोविड पॉजिटिव है और इस कारण उनके शरीर में वीकनेस और बढ़ जाती है। तो क्योंकि एक बड़े झमेले के बाद ये पेशेंट ठीक हुआ है, बड़े युद्ध के बाद ये पेशेंट अभी ही फ्री हुआ है, तो शरीर में वीकनेस रहती है। इन 5 कारणों को सॉल्व करने से हम अपने शरीर में शक्ति को वापस ला सकते हैं, सुपर चार्ज हो सकते हैं और खोई हुई क्षमता को वापस गेन कर सकते हैं। तो ऐसे उपाय हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आप अपनी खोई हुई क्षमता को वापस गेन कर सकेंगे। 7 ऐसे उपाय जिसके साथ आप अपने वीकनेस को ठीक कर सकते हैं। उपाय नंबर 1, जहां पर हमें बनाना है एक जूस, एक स्मूथी बनानी है, जिसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है पाइनएप्पल। हमें पाइनएप्पल थोड़ा सा 2-3 छोटे छोटे टुकड़े चाहिए। इसके बाद हमें 1/2 केला चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है तिल, काले तिल, 1 चम्मच काले तिल हमें चाहिए। गाजर के 2-3 छोटे टुकड़े चाहिए। 1 अनार चाहिए और 1/2 से पूरा 1 बीट चाहिए। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हमें मिक्सर ग्राइंडर में इसको मिक्स करना है। खास बात का ध्यान ये रखना है कि ये जो हम बना रहे हैं इसको हमें छानना नहीं है, इसको जैसा है वैसा ही रखना है। इसके सारे फाइबर्स इसी में होने चाहिए। ये फाइबर बड़े काम की चीज़ है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो अब नेगेटिव हो चुका है या फिर कोविड पॉजिटिव है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट को सिर्फ एक बदलाव स्मूथी में करना है, वो इसमें बनाना नहीं डाल सकते, केला नहीं डाल सकते, क्योंकि वो कफ वर्धक होता है, बाकी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ये जो स्मूथी तैयार होती है ये आपको सुबह और शाम पीनी है। सवाल आएगा आपको कि कितनी मात्रा में पिए, तो इसको आप जो चाय का कप आता है उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में 2 टाइम पी सकते हैं। ये स्मूथी आपके शरीर में एनर्जी सुपर चार्ज कर देगी, आपकी खोई हुई क्षमता वापस आनी शुरू हो जाएगी, फुल डे आपको अच्छा लगेगा। फाइबर वाली ये स्मूथी जब आपके आंतों में से पास होगी, आंतों में रहेगी, तो आपके आंतें जो काफ़ी समय से खाना आप कम खाते थे और चालू नहीं थी सही तरीके से, वो रिफ़्रेश हो जाएगी, उनकी वैली सही से काम करना शुरू कर देंगे और सही से एब्सॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही होगा आपके शरीर में भूख लगना शुरू होगी और 2-3 दिन के बाद आप जल्दी से ही आपके शरीर में खाना, जब आपको भूख लगेगी तो बाकी सारी जो खुराक की चीज़ें हैं वो खाना शुरू कर सकेंगे। दूसरी एक चीज़ है जो सबसे बड़ी समस्या है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट को भूख लगना ही बंद हो जाता है, और दूसरी समस्या है कि जब कोविड ठीक हो जाता है उसके बाद भी ये भूख लगना बंद ही रहता है कुछ दिनों तक। अब भूख लगती ही नहीं तो पेशेंट खाता ही नहीं, और जब नहीं खाता तो समस्या है कि उसके शरीर में शक्ति नहीं आती। तो दूसरा उपाय है जो भूख वर्धन के लिए है, जो शरीर को जल्दी से गेन करेगा आपकी एनर्जी को। उपाय में 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ है काली द्राक्ष, 10 आपको काली द्राक्ष चाहिए सूखी हुई, और आपको उसमें 3 खजूर या 3 से 4 खजूर आपको डालने हैं। इसको रात को पानी से साफ करके 1 गिलास पानी में डुबो दीजिए। जब आप सुबह इसको निकाले
तो इसके साथ इसके ऊपर आपको काली मिर्च थोड़ी सी डालकर उसको खूब चबा के खाना है। इससे आपके शरीर में भूख बढ़ना शुरू होगी। ये उपाय भी आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह खाली पेट कर सकते हैं और रात को करीबन शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में करेंगे तो करीबन 8 बजे तक आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा। ये 2 उपाय से आपके शरीर में शक्ति वापस संचारित होना शुरू हो जाएगा। 2-3 चीज़ें और है, जैसे कि हमने देखा कि हम जो पेशेंट थे और एडमिट थे इस कंडीशन में हमें सही तरीके से हम ऑक्सीजन नहीं ले पाए थे, हमारी लंग सही से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। तो तीसरा उपाय ये है कि ये पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं उनको खुली जगह में सोना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल उस खुली जगह में कम करना चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीजन वो ले सके हवा में से ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो रात के समय में वो टेरेस पर सो सकते हैं, गाँव में ऐसी व्यवस्था होती है कि घर के बाहर वो सो सकते हैं, तो खुली हवा में सोना शुरू करेंगे तो ऑक्सीजन सही से मिलने के कारण उनकी हेल्थ सुधरना शुरू हो जाएगी। चौथा उपाय यह है कि जब उनकी ऑक्सीजन सही मात्रा में रात को ले पाएंगे तो उनकी नींद सही होना शुरू होगी। क्योंकि हम कोविड पॉजिटिव थे उस समय हमें नींद सही से नहीं ले पाए थे, तो इस समय हम सही से जब नींद ले पाएंगे तो कहा जाता है कि नींद से आपके शरीर में सबसे ज़्यादा शक्ति संचारित होती है। सही नींद के लिए आप गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते समय दोनों नॉस्ट्रिल्स में 2-2 ड्रॉप गाय का घी डाल के सोएंगे तो आपकी नींद काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जब आप नाक के दोनों नॉस्ट्रिल्स में 2-2 बूंद गाय का घी डाल रहे हैं उसी समय नाभि में भी आप 2 ड्रॉप्स गाय का घी डाल दीजिए, जिससे आपके पूरे शरीर में वो शीतलता प्रवाहित होना शुरू होगी, जिससे आपके पूरे शरीर में फिर से संचारित ऊर्जा शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक और चीज़ है जो आप डेली रूटीन में ले सकते हैं कि कोकोनट वाटर, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं। नारियल पानी और नींबू दोनों इकट्ठा करके भी लिया जा सकता है। ये उपाय जो मैंने आपके साथ शेयर किए ये है 6। 7वां जो है वो बड़ा ही काम का है। भारत देश के शास्त्र मानते हैं कि 7वें उपाय से आपके शरीर में हैप्पीनेस बढ़ना शुरू होगी। कोविड पॉजिटिव थे उस समय आप काफ़ी दुखी और डरे हुए होते हैं, अब एक हैप्पीनेस खुशी अगर आपके शरीर में प्रवाहित होना शुरू हो तो खुशी के कारण पूरा शरीर और शरीर का आंतरिक वातावरण ठीक हो जाता है। और इसलिए खुशी के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि आदमी खुश तब होता है जब उसमें संतोष हो। बिना संतोष के आदमी खुश नहीं हो सकता। और सही संतोष, शरीर में संतोष, मन में संतोष तब आता है जब आप किसी और को कुछ दे, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर कुछ आप दान करें, किसी को कुछ काम में आए, कोई मुश्किल में है उसकी मदद करें, तो आपके शरीर में हैप्पीनेस बढ़ना शुरू होगा। अब माना कि आपके शरीर में खुद में शक्ति नहीं है कि आप किसी सीढ़ी को चढ़ सके या 20 मीटर चल सके, आप में अशक्ति है, पर आप अशक्ति होते हुए भी कुछ तो किसी की मदद कर सकते हैं। कोविड पॉजिटिव है उनको फ्रूट भेज सकते हैं, किसी को अगर आपके पास फाइनेंशियल अच्छा व्यवस्था है तो आप किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। जब आप ठीक हो गए हैं कोविड पॉजिटिव से तो जो पॉजिटिव है उनको फोन करके आप थोड़ा मार्गदर्शित कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि देखिए मैं भी ठीक हो गया हूँ, आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये एक ऐसा उपाय है जिसके साथ ये 6 उपाय उस उपाय को और अच्छी तरीके से बढ़ा देंगे और चमत्कारिक रूप से सिर्फ 3 दिन में आपके शरीर में जो ये वीकनेस है ये ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपके शरीर में शक्ति का संचार होना शुरू हो जाएगा। इन उपायों को करिए, हमने काफी सारे पेशेंट्स के ऊपर करके देखा है। आपको जैसे ही करके अच्छा लगना शुरू हो तो जल्दी से इसको करिए। आपको जब अच्छा लगे तो हमारा संपर्क करिए। इसमें बीच में अगर आप कहीं पे रुक जाए, कुछ समझ में ना आए, तो आप हमारा संपर्क करिए, हम आपको गाइड करेंगे। और जब आप ठीक हो जाए तो लोगों को भी ठीक करने में हमारी इस मुहिम में जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। आपने इस बड़े वीडियो को ध्यान से सुना एंड हर वीडियो को आप इतना सराहते हैं, इसलिए हम आपका आभारी है। मैं कौशिक जी स्वास्थ्य प्रेमी परिवार की ओर से आपको आमंत्रित करता हूँ कि आइए जुड़िए और पूरे भारतवर्ष में घर घर तक आयुर्वेद पहुंचाने के लिए इस मुहिम में हमारे सहयोगी बनिए। थैंक यू वेरी मच।